Olympian Dinesh Kumar has come out and denied the police version of events that led to that drug bust. Dinesh coming out and saying that he and Ram Singh were the ones who had driven Vijender's car to the police station. What exactly has Dinesh Kumar shared with your channel? Let's get you what he said. देखिए मैं जो शुरुआत है जो 7 तारीख से जो ये मैटर जो ये सारा केस जो चला हुआ है 7 तारीख से मैं उसके बारे में 7 तारीख के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो राम सिंह है जो आरोपी बताया गया है जो उनके पास जो सुबह फतेहगढ़ साहिब CIA से जो उनके पास फ़ोन आया है उनका पुलिस वालों का, उन्होंने बोला कि एक बार आप फतेहगढ़ साहिब आइए और आपसे कुछ पूछताछ करनी है तो या तो आप आइए या फिर हम आएँगे। तो राम सिंह बोला कि मैं ही आ जाता हूँ सर, आप बताइए कहाँ पर आना है। बोले कि फतेहगढ़ साहिब आ जाइए। तो उन्होंने मुझे उठाया और बोला भैया ऐसे ऐसे फतेहगढ़ साहिब से फ़ोन आया है कि मेरे से पूछताछ के लिए, तो आप एक बार मेरे को छोड़ आओ। तो वहाँ से मैं और राम सिंह विजेंदर की गाड़ी लेके चले हैं और फिर वहाँ आगे हमें बंटी जो है हमारा एक साथी उसको हमने पंजाबी यूनिवर्सिटी से लिया हमारे साथ और फिर हम फतेहगढ़ साहिब गए। फतेहगढ़ साहिब जाते ही हमने उनके राम सिंह ने SHO के पास फिर फ़ोन किया कि सर मैं फतेहगढ़ साहिब आ गया हूँ, बोलिए आप कहाँ पर आना है। तो उन्होंने बोला कि भैया आप यहाँ पे CIA में आ जाइए। तो CIA में जैसे ही हम गए तीनों तो राम सिंह को अंदर रूम के अंदर बैठा लिया और हमारे को बोले कि आप कौन हैं। तो मैं बोला कि मैं इंडिया कैंप से हूँ, मैं दिनेश कुमार ओलंपियन बॉक्सर हूँ, एशियन गेम मेडलिस्ट हूँ और मैं तो इसको छोड़ने आया हूँ, ये हमारे साथ रहता है रूम में। तो बोला सर आप जाइए इसको यहाँ पर, मैं इनसे कुछ पूछताछ करनी है। तो फिर वहाँ से हम चले तो गाड़ी के अंदर बैठते हैं, उन्होंने फिर 3-4 बंदे आए वहाँ पुलिस के और उन्होंने बोला कि गाड़ी हमें चाहिए कि फिर हम बोले भी गाड़ी आपको क्यों चाहिए, तो गाड़ी तो सर हमारी है, हम गाड़ी नहीं देंगे ऐसे। फिर उन्होंने बोला भी नहीं गाड़ी हमें चाहिए, हमें जो इसके जो हमें बंदूक पिस्टल के जो रौंद मिले हैं उनका मैच करके लेके आना हमें पटियाला से। तो फिर मैं सर बोला सर हम तो गाड़ी नहीं दे सकते, गाड़ी तो विजेंद्र सिंह के जो ओलंपियन है मेडलिस्ट हैं बॉक्सर, नहीं गाड़ी हमें चाहिए। तो उन्होंने हमसे गाड़ी की चाबी ले ली और फिर वो बाद में फिर बोले कि हम 1-1.5 घंटे में आ जाते हैं, अगर आपका बंदा बेकसूर है तो इसको भी लेके जाइए, नहीं तो आप अपनी गाड़ी लेके चले जाना। यानी आपसे जबरन गाड़ी ली थी? हाँ, हमसे जबरन गाड़ी।